विद्यार्थी परिषद ने चुनाव लड़ा और विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, इसलिए मैं सभी उन मेरे साथियों का जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मेरा साथ दिया उनका धन्यवाद करता हूँ। और उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि अध्यक्ष पद पर सीट निकाल पाया हूँ। और आगे की रणनीति हम विद्यार्थी परिषद और मैं कॉलेज के प्रशासन और विकास के लिए काम करते रहेंगे। जो भी कॉलेज में व्यवस्थाएं अभी अव्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने का प्रयास, इसके साथ साथ ही जो महाविद्यालय लंबे समय से हॉस्टल और स्विमिंग पूल बंद है उनको खुलवाने का प्रयास रहेगा। और जो डिपार्टमेंट है उनको स्मार्ट और एक नई NCC की एयर विंग खुलवाने का प्रयास रहेगा। क्या लगता है कि महाविद्यालय में ये चीज़ें होना आवश्यक है? महाविद्यालय में सबसे पहले तो एक NCC के लिए एयर विंग खुलना जरूरी है, इसके साथ साथ ही बॉयज हॉस्टल और स्विमिंग पूल को भी खोलना जरूरी है। इसके साथ साथ जो गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है उनमें सीटें बढ़ाने की चाहिए, जिससे अपनी जो बहनें आ रही हैं उनको पर्याप्त सीटें मिल सके। और कॉलेज के जो डिपार्टमेंट है वो स्मार्ट नहीं है, वही पुराने डर्रे पे क्लासेज चलती है, तो उनको स्मार्ट और स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट क्लासें होनी चाहिए। जो आपके खिलाफ लड़े थे क्या उनको साथ में लेके चलने का कुछ पता है? बिल्कुल, जो भी मेरे सामने प्रतिद्वंदी थे उनको हम साथ लेके काम करेंगे। एक साथ महाविद्यालय का विकास तभी संभव है जब सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ उनके साथ मिलकर काम करेंगे। विकास पूरा जो है अजमेर पूरे जिले में ABBP का परचम फहराया है, तो ABBP क्या रणनीति रही? इस बार ABBP ने पूरा एक होकर काम किया, पूरे संगठन ने जो पूर्व कार्यकर्ता थे उनको एक्टिव किया था और जो नए कार्यकर्ता थे उन्होंने नए जोश के साथ और एक रणनीति बनाकर कि सभी कैंपसों में परचम लहराया जाए, इस हिसाब से काम किया और हमें सफलता मिली और यहाँ पूरे देखने में अजमेर में केसरिया लहराया है ABBP। चुनाव का जो परिणाम है, अध्यक्ष पद पर विकास गौरव 75 मतों से विजयी रहे, उपाध्यक्ष पद पर संजय मेघवंशी 283 मतों से विजयी रहे, महासचिव पद पर हिमांशु गर्ग 1399 मतों से विजयी रहे, संयुक्त सचिव पद पर फागुनी कुमारी डोलकेरिया 1134 मतों से विजयी रही। सभी विजेता उम्मीदवारों को बधाई और चुनाव कार्य पूर्ण शांति से संपन्न हुआ। सभी विद्यार्थियों से साइन हो गए हैं और किसी विद्यार्थी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि हमने जो व्यवस्थाएं की थी कैंडिडेट्स के हिसाब से, हमने पहले ये कहा था कि एक बार रिजेक्ट मत पत्र अलग कर दीजिए, उन पर सभी कैंडिडेट्स के साइन हो जाएं ताकि कम डिफरेंस की सदा की स्थिति में कोई विवाद नहीं हो। तो सभी ने हमारी बात को माना कैंडिडेट्स ने, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पूर्ण सहयोग रहा, सभी मीडिया कर्मियों को बधाई, जिला प्रशासन को धन्यवाद एवं आभार, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद एवं आभार। कल महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अवकाश रहेगा और खेल दिवस हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की स्मृति में प्रातः 11 बजे महात्मा गांधी सभागार में मनाया जाएगा और इस आयोजन के पश्चात छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्यों के बीच बैडमिंटन का मैच खेला जाएगा।